तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं एक चोर भी हूँ और मैंने पिछले महीने में बहुत सारी जगह पर चोरी करी है और पुलिस वालों ने मेरी सारी चोरियों को पकड़ लिया है और मुझे ग्रैनी की इस भूतिया हवेली में डाल दिया है जहाँ पर मुझे 5 रातें मिली हैंगी ग्रैनी की भूतिया हवेली से बाहर निकलने के लिए। अगर 5 रातों के अंदर अंदर मैं इस ग्रैनी की भूतिया हवेली से बाहर नहीं निकल पाया तो ये मुझे मार देगी जान से और पुलिस वाले भी यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। लेकिन भाई मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे इसकी हवेली से बाहर निकलना है और चीज़ें ढूंढनी आएंगी। मुझे निकलना है इसके मेन गेट से बाहर और मेन गेट से बाहर निकलने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी क्योंकि इसने मेन गेट पर लगा दिए होंगे बहुत सारे ताले और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। लेकिन पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये ग्रैनी है कहाँ। भाई गेट तो खुला हुआ है ये साइड से। ओ भाई बाहर गई हैगी। मैं आज उसे मार डालूंगी, वो अब बस मुझे एक बार मिल जाए वो यहाँ पर 5 रातों तक नहीं निकालने दूंगी मैं उसे। अरे बाप रे, ये ग्रैनी तो मेरे ही पीछे पड़ी हुई है कि ये कह रही है कि 5 रातों तक ये मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देगी। लेकिन भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ओके तो यहाँ पर मुझे पत्थर भी मिल गया है और मैंने सुना है कि इस ग्रैनी के घर में एक गुलेल हैगी जिसकी मदद से मैं पत्थर को इकट्ठा करूँगा और मतलब मेरे पास पत्थर होंगे तो मेरे को वो गुलेल मिलेगी जिसकी मदद से मैं इस ग्रैनी की आँख वाँख फोड़ पाऊँगा और इसे थोड़ी देर के लिए इससे बच पाऊँगा। तो भाई अगर ये मेरे सामने से आ गई ना तो भाई ये तो मेरा बैंड ही बजा देगी। लेकिन सबसे पहले मुझे थोड़े बहुत पत्थर इकट्ठे करने पड़ेंगे। ओके तो वो वापस घर में जा रही हैगी। पर रहेगा मेन गेट, इसका इसने बैरियर भी ऊपर कर रखा है और वहाँ पर गेट पर ताले वाले भी लगा रखेंगे खूब सारे अलग अलग तरीके के। अरे आज तो मुझे मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। ग्रैनी मैंने तुम्हारा करा क्या है? मुझे पुलिस वालों ने सब बता दिया है कि तू बहुत बड़ा चोर है और इसलिए उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है, मतलब तुझे मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुझे मार सकूँ। यहाँ से मैं 5 रातों तक तुझे बिल्कुल नहीं निकलने दूंगी। अरे ग्रैनी क्यों पड़ी हुई है मेरे पीछे, मुझे जाने दो ना। मैंने जो भी चोरियाँ करी हैं मैं उसमें से तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरी मौत दिख रही है ये मेरे आंखों के आगे। अरे भाई साहब ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, लगता है ये मुझे मार ही डालेगी जान से। गाइस फाइनली मेरे को वेपन की तो मिल गई है, अब बस मेरे को थोड़े से पत्थर और इकट्ठे करने हैं और यहाँ पर देखो मेरे को एक और स्टोन मिल गया। अब मैं इस ग्रैनी का सर बढ़िया तरीके से फोड़ सकता हूँ और फिर इसके घर से बहुत सारी चीज़ें मतलब गेट से बाहर निकलने के लिए जो जो भी चीज़ें चाहिए उनको ढूंढ कर मैं इसके घर से आराम से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन गाइस ये इतनी ज़्यादा आसानी से मेरे को निकलने देगी नहीं, मुझे पता हैगा। तो पहले ना सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर बुलाता हूँ और मैं पीछे वाले दरवाजे से भाग जाऊँगा। मैं बता रही हूँ तुझे, अभी तो रुक जा। अरे ग्रैनी तुम फिर से आ गई। और क्या, मैं आ गई, मारना जो है तुझे मार लो, मुझे मारना है। लेकिन वेपन की तो मुझे मिली गई है, अभी तुम्हारा बहुत उतारता हूँ मैं। तो देखो पीछे वाले दरवाजे से मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो कि यहाँ से मुझे वेपन की मिल गई है और पत्थर मेरे पास थे ही तो मुझे गुलेल मेरी पूरी फुल हो गई है। और ग्रैनी है किधर, आ जा ग्रैनी। मैं आ गई। अरे तू आ गई, अब तू जाएगी 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 काम से जाएगी। ये इसने तो मेरा सर फोड़ दिया। तो भाई ग्रैनी जो है ना बेहोश हो चुकी हैगी, तो अभी फिलहाल ना इसके घर से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे उस ब्रिज को नीचे करना आएगा। तो उस ब्रिज को नीचे करने के लिए मुझे चाहिए होगी काफ़ी सारी चीज़, मतलब एक व्हील आता है व्हील क्रैंक करके, तो वो मुझे वहाँ पर जाकर लगाना आएगा तब वो ब्रिज नीचे होगा। तो सब उस शेड में से मुझे एक लकड़ी का ये फट्टा मिला था जिसको मुझे यहाँ पर रखना आएगा और इस पर चलकर मुझे जाना आएगा आगे। अब इस वाले रूम में जाने के लिए मुझे इस लकड़ी के फट्टे की ज़रूरत पड़ती हैगी और देखो यहाँ पर रहेगा वो ब्रिज क्रैंक। तो इस वाले ब्रिज क्रैंक को मुझे लगाना है नीचे जाकर। तो सबसे पहले मैं इसको लेकर चलता हूँ नीचे और इसको नीचे जाकर लगा देता हूँ। अगर मैं इसको लगा दूंगा तो वहाँ पर भाई वो वाला जो ब्रिज है वो नीचे गिर जाएगा, वो लगेगा। इसके अंदर मैंने लगा दिया और अब बस मुझे इसे घुमाना है। जैसे मैं इसे घुमा दूंगा तो देखो ये वाला ब्रिज नीचे आ गया। तो भाई देख लो ये वाला जो सामने आपको दिख रहा है ना यही हैगा वो मेन गेट जिससे मुझे आज भागना है इस अंधेरी रात में। तो भाई देखो अभी तो ये फिलहाल बंद हैगा, इसके लिए मुझे इसका लॉक खोलना पड़ेगा। तो लॉक खोलने के लिए मुझे और चीज़ें चाहिए होंगी। इसी में इसके घर से गेट से बाहर निकलने में ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत सामान होगा लेकिन सच्ची में बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी भी करनी होंगी और काफ़ी सारी चीज़ों को ले जाकर अलग अलग जगहों पर रखना भी है। तो सबसे पहले मैं माचिस को यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि माचिस का यूज़ यहीं पर आएगा। जो मशीन है कि ना इसका यूज़ करके मुझे मेन गेट का लॉक भी खोलना है। तो लॉक खोलने के लिए भी मुझे एक फ्यूज़ टाइप करके कुछ चाहिए। और तो भाई देखो लकड़ी की आग से जो है कौवा जो यहाँ से भाग गया है और मुझे यहाँ से केबल मिल गई है। अब इस केबल को ले जाकर मुझे शेड में जो जनरेटर रखा हुआ है उसमें ले जाकर लगाना आएगा। तो भाई जल्दी से चलते हैंगे जनरेटर तक। यहाँ ओके मुझे इसको ख्याल से यहाँ लगाना आएगा। तो ओके मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया और देखो ये जनरेटर चालू हो गया और करंट पहुँच गया है वहाँ ऊपर तक। अब उस मशीन तक करंट पहुँच गया है जिसकी मदद से लाइट आ गई हैगी और जो है क्या बोलते हैं वो मेन गेट अब मैं खोल सकता हूँ। लेकिन उसको खोलने के लिए मुझे अभी भी एक फ्यूज़ तो चाहिए होगा। और ग्रैनी भी हमारे सामने से आ गई। हाँ तो रुक जा, अभी मैं बताती हूँ तुझे, तूने जनरेटर चालू कैसे कर लिया वायर लगा के। तो ग्रैनी मैं जनरेटर चालू नहीं करूँगा वायर लगा के क्योंकि मुझे भागना है यहाँ से। भागने तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी, तूने क्या सोचा मैं तुझे यहाँ से भागने दूंगी।
भाई साहब ये मुझे लगता है पागल हो गई है कि इसको फिर से मारना पड़ेगा। वो कहाँ गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है का? हाँ कहाँ गया दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहीं पर ही हूँ। इसने तो मुझे फिर से मार दिया। निकलना चल यहाँ से। भाई देख लो, पहला वास तो ये रहा जिसे मैंने गिरा दिया है। ओके तो वो तो यहीं पर गिर गया। और दूसरा वास है इस साइड पर, तो इस वाले को भी मुझे गिराना है भाई। इस पर निशाना ठीक लग, अरे यार निशाना गलत लग गया इस पर, मुझे इस पर दोबारा निशाना। ओके तो मैंने इसको भी गिरा दिया है। अब इस गुलेल को अपने को यहाँ पर फेंक देंगे और उस वास को, एक सेकेंड, वो वास, एक वास तो यहीं पर था भाई, तो इस वास को यहाँ से उठाकर नीचे फेंक देते हैंगे। तो यहाँ से मैंने इसमें पानी भी भर लिया है। अब इसको ले जाकर मुझे रखना आएगा नीचे बेसमेंट में। तो ग्रैनी को भी फिलहाल मैंने मारा ही था, लेकिन मेरे ख्याल से भी वो जागी नहीं होगी। अगर जाग गई होगी तो वो मेरा बैंड बजा देगी भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ नहीं, इस वाले पर रखना है मेरे ख्याल से। तो ओके इस वाले पर मैंने इसको रख दिया है और मुझे चाहिए एक और वास। तो भाई यहाँ पर मैंने फिर से ग्रैनी का बैंड बजा दिया है, लेकिन इस बार मुझे गुलेल की ज़रूरत हैगी, क्योंकि भाई जो मैंने वो वास ले जाकर, अरे हट जाना तू मेरे बीच में क्यों आ रही हैगी। तो भाई जो वास मैंने ले जाकर नीचे रखे थे वो तो मैंने अपने उनकी जगह पर सही से रख दिया था, लेकिन उनको खोलने के लिए उनके यहाँ पर ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो यहाँ पर ना एक बॉक्स हैगा जिसके अंदर ना ताला लगा हुआ है। अब जो चीज़ इसके अंदर घूमी थी वो उन वास को रखने से घूमी थी, लेकिन इसको खोलने के लिए मुझे चाहिए होगी पैडलॉक की। और ओके तो यहाँ पर सेफ की हैगी, देखो पहले सेफ में चल कर देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्रोबार भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर पहले इसको बंद करके ना मैं सेफ की उठाता हूँ। अब एक उठ जा, तो सेफ में चलकर देखते हैं। अगर सेफ के अंदर मुझे वो टेडी बियर मिल गया तो भाई बल्ले बल्ले है, वरना मैं इन दो बॉक्स को उठाऊंगा। देखो एक बॉक्स यहाँ पर रहेगा और एक बॉक्स ऊपर रहेगा, उसके अंदर भी मुझे टेडी बियर पक्का मिल ही सकता है। तो नहीं तो सेफ के अंदर भी मिल सकता है, ज़्यादा चांसेस तो सेफ के अंदर ही होंगे। तो सेफ के अंदर पहले चलकर चेक करते हैं। टेडी बियर मिल गया तो टेडी बियर को ले जाकर मैं ऊपर ले जाऊंगा और उसको ना उसके पालने में रखूंगा। तो पालने में रखूंगा तो ग्रे सिलेंडरी ना आएगी और वो मुझे ना पैडलॉक की दे देगी, क्योंकि पैडलॉक की जो है उसी के पास होती होगी। तो यहाँ पर सेफ को खोलते, ओके तो गाइस मुझे फ्यूज़ मिल गया है। तो भाई मुझे फ्यूज़ की भी ज़रूरत है, लेकिन अब मेरे को भाई टेडी बियर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मुझे अच्छी बात है कि फ्यूज़ मिल गया। अब इससे मैं ना गेट का जो है लॉक जो है वो खोल सकता हूँ। तो फ्यूज़ को मुझे ना यहाँ पर लगाना है और मैंने लाइट तो दे ही दी थी, तो इस गेट को मुझे खोलना है। आप देख सकते हैं कि गेट खुल गया है ना, तो एक्सेलरेटर है और मुझे तो फ्यूज़ मिल गया था। भाई मैं भी बहुत बड़ा वाला गधा हूँ भाई, मेरा कोई स्केप हो गया है, मैं इसके घर से भाग सकता हूँ। लेकिन अब बस ये मेरे को यहाँ रास्ते में ना मिल जाए। ओके तो यहाँ पर ये है कि नहीं, तो यहाँ से भाई जल्दी भाग लेते हैं। मैंने पूरा स्केप कर लिया है, इस पैडलॉक की को फेंको। तो यहाँ पर मैंने गेट का लॉक भी खोल दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा था वो फ्यूज़ लगा कर कि गेट का लॉक खोला जा सकता है। तो भाई देखो गेट का लॉक मैंने खोल दिया है। और ग्रैनी किधर रहेगी, ग्रैनी को लास्ट बार मैं मारूं या नहीं मारूं? वैसे अगर मैं मारने को आया तो कहीं वही ना मेरा बैंड बजा दे। तो ग्रैनी की हवेली से मैं जो है भागने वाला हूं। और ये मैंने कर लिया एस्केप, और अब देखो ग्रैनी देख रही है कि अरे वो कहाँ भाग गया, वो तो यहाँ पर पास निकलने वाला था ना, और वो तो एक भाग गया, मैं पुलिस वालों को क्या जवाब दूंगी। और इसके साथ ये सिलेंडरीना भी है। तो ओके मैंने ग्रैनी के घर से एस्केप कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।